बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी न्यू रेसिपी है वो है माश की दाल। और माश की दाल मैंने ले ली है आधा पाव, इसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। और साथ ही मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया था, 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ले ली थी, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने हल्दी और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया था। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया मीडियम साइज के, 2 ले लिए थे जिनको मैंने ब्रिक काट दिया है, 1 मैंने मीडियम साइज का टमाटर ले लिया था और 2 हरी मिर्चें ले ली थी। चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देसी को मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया और मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ प्याज। प्याज को मैं हला लेती हूँ, इसको मैंने लाइट सा सिर्फ ब्राउन करना है। जी प्याज मेरा हल्का हल्का सा हो गया है, सोता जिसे कहते हैं हमने, बस वो करना है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये मसाले वाली दाल है और ये बनती बहुत ही मज़े की है और जल्दी बन भी जाती है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। दाल को हमने आधा घंटा भिगो के रखना था ताकि दाल हमारी जल्दी गल जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर और सब्ज मिर्चें। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अपने मसाले, ये जो मसाले मैंने लिए थे ये देखें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 गिलास पानी, ये मैं 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ इसके अंदर ताकि हमारा मसाला भी तैयार हो जाए और प्याज और टमाटर भी गल जाए। अब मैं इसको ढक देती हूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए। जी 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। ये देखिए मसाला हो गया रेडी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला, ठीक है, 1 टीस्पून लिया था मैंने। मसाला तैयार हो गया, ये देखिए घी छोड़ गया मसाला। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दाल जो मैंने आधा घंटा भिगो के रखी हुई थी, वो डाल देती हूँ। मैं दाल डाल दी है, इसको मैं ज़्यादा से चमचा नहीं हिलाऊँगी, बस इसको मैं अब इसके अंदर पानी डाल दूँगी 1 गिलास। तो मुझे मसाले वाली दाल बनानी है जिससे हमारी दाल भी गल जाए। इसको सिर्फ मैं अब 10 मिनट के लिए रखूंगी, बस इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रख देती हूँ अब ताकि ये दाल हमारी गल जाए और मसाला हमारा बन जाए। जी 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा लेती हूँ। ये देखें मसाले वाली दाल तैयार हो गई है। दाल हमारी गल गई है, अब मैं इस पर धनिया डाल लेती हूँ। ये मैंने धनिया डाल दिया। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए, मतलब आँच बंद कर दूंगी, ठीक है, चूल्हा बंद कर दूंगी, साथ ही 5 मिनट के लिए दम लगा दूंगी, इसके बाद सर्व करते हैं। जी माश दाल हमारी तैयार हो गई है।
इसको बनाना बहुत ईजी है और ये बनती भी बहुत मज़े की है जी। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।